शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तुम दोनों अब शादी कर लो, लेकिन तुम शादी के बाद भी टिया को इसी तरह से तंग करोगे क्या? बिल्कुल ऐसे ही। आफ्टर ऑल यही हंसी मजाक तो जिंदगी है ना? तो बाकी की बातें भी तय कर लेते हैं। बाकी की बातें? जी वो मेरा अपना तो कोई है नहीं, तो दहेज वगैरह की बात तो मुझे खुद ही करनी पड़ेगी ना। दहेज? जी। देखो राज, तुम तो जानते हो कि मेरा जो कुछ भी है सब टिया का है, फिर भी तुम बोलो और क्या चाहते हो? सोच लो मैं एक बार। राज तुम ये? हाँ सोच लिया, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तुम माँ, मुझे दहेज में माँ चाहिए, फिर से अनाथ नहीं होना चाहता मैं। लेकिन बेटे के घर माँ नहीं रहती बेटा। बेटे के घर तो रहती है ना। मुंह से बेटा मत बोल माँ, दिल से मान ले। हाँ कि तो ना माँ। प्लीज आज मुझे सब कुछ मिल गया माँ, सब कुछ। आजकल गर्लफ्रेंड को 7 स्टार में खाना खिलाओ तो बोलती है I love you, very good, आ गया 7 स्टार। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको ना राज। चलो उतरो, चलो उतरो। यहाँ? और नहीं तो कहाँ? पर तुमने तो कहा था कि वो 7 स्टार, तो 7 स्टार को 7 स्टार ही कहा ना? टिया जी जगह चाहे छोटी ही हो, दिल बड़ा होना चाहिए। खाना चाहे कैसा भी हो, भूख लगी होनी चाहिए। तुम्हें भूख लगी है? चलो फिर, वेरी गुड। सलाम साहब, आइए सर। आज कुछ स्पेशल कर दे यार। जी सर। आज हमारी टिया जी का बर्थडे। हो जाएगा साहब, प्लीज आइए। मैडम आइए बैठिए, अभी आया सर। थैंक यू। कैसी लगी है जगह? स्माइल यार। ये पेड़ वेड़ क्यों रख दिया यार? जी वो आज मैडम का बर्थडे है ना सर। हाँ बर्थडे तो है। What a pleasant surprise. Yeah, really pleasant, na? तुमने देहा का नक्शा ही बदल दिया। क्या जरूरत थी इतना खर्च करने की? हाँ हो गया, आप तो कोई बात नहीं, चलता है अपना ही ढाबा है। Wow, ये इतना बड़ा केक मेरे लिए? केक हमारा नहीं है। ओ भाई साहब केक तो ले जाइए, केक हमारा नहीं है। मजाक मत करो राज, इस पर मेरा नाम भी लिखा है। एक मिनट कंफर्म कर लेते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ पर किसी लड़की का नाम टिया है? मैम आपका है? नहीं, मेरे ख्याल से टिया सिर्फ तुम्हारा ही नाम है। स्ट्रेंज ना? तो केक आते? हाँ, नहीं वो पहले वो विश मांगते ना कुछ आंख बंद करके। डू दैट। गुड आइडिया। मांग लिया। राज तुम ये? कुछ नहीं, तुम केक काटो ना। Happy birthday to you. Happy birthday to Tia. Thank you. Thank you. Thank you. Thanks. ये लो। हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू। ये केक कहाँ ले जा रहे हो? खाना लगा देता हूँ ना सर। खाना क्या करना है, हमारा पेट तो केक खाकर भर जाएगा। ऊपर वाली मंजिल मैं खा लूंगा, नीचे वाली मंजिल टिया खा लेगी। आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई साहब। ओ राज आज की शाम मैं कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। भूलूंगा तो मैं भी नहीं, आफ्टर ऑल बर्तन खाना तो खाना है अभी। बेटा
गुड फूड ना? या यस सर। वो बिल ले आना, बिल। आपका बिल पेड हो चुका है सर। पेड हो चुका? देखो यार, योर अरेंजमेंट वाज वेरी नाइस, थैंक यू, रियली नाइस, बट बिल दे दो यार प्लीज। सर मैंने आपसे कहा ना कि आपका बिल पेड। देखो भैया, मैं शक्ल से लुक्खा लगता हूँ पर हूँ मैं शरीफ आदमी। पैसे थोड़े बहुत कम भी हुए तो आप लोग एडजस्ट कर लेना, मेरी घड़ी रख लेना। सर आप मजाक बहुत अच्छा कर लेते हैं। मजाक नहीं करता मैं कभी, मैं सीरियस आदमी हूँ यार। सर आप सीरियस आदमी हैं लेकिन मैं भी सीरियसली बोल रहा हूँ कि आपका बिल पेड हो चुका है। चलो फिर, थैंक यू यार, थैंक यू। कमाल है यार, ये बिल किसने दिया होगा? मैं जानती हूँ किसने दिया होगा। किसने? टिया, हाय, हैप्पी बर्थडे, मजा आया? जय, मैं तुमसे साफ साफ कह चुकी हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, फिर भी तुम ये। तो आप ही हैं जिन्होंने वो फूल केक। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। डबल खुशी की बात यह है कि आपने हमारी शाम का रंग ही बदल दिया, थैंक यू। अरे नहीं नहीं, टिया की जिंदगी में इतना बड़ा दिन और ये छोटी सी जगह, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके काबिल बना दे। मिस्टर जय मेहता, माना कि आप बहुत बड़े हैं लेकिन किसी और को छोटा कहने का हक आपको नहीं है। टिया, आई जस्ट वांट टू गिव यू द बेस्ट। किसने दिया आपको ये हक? हाँ, किसने? और मेरे राज को छोटा? टिया, 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 ये मुझे नहीं, ढाबे को छोटा कह रहे हैं। तुम समझ नहीं रहे हो राज, इसने हमारे स्कूल का शो स्पॉन्सर किया था, बल्कि अपनी तरफ से इसने मुझे प्रपोज भी, लेकिन मैंने इसे साफ इनकार कर दिया। तब से मुझे इंप्रेस करने की और हम दोनों के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। टिया, हमारे बीच में गलतफहमी की जगह है क्या? जय साहब, हमारी शादी नहीं हुई अब तक लेकिन तलाक 20 बार हो चुका है। आप जरा सोचिए कितना गहरा रिश्ता होगा। वैसे इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी टिया है ही इतनी खूबसूरत। वैसे ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि टिया ने मुझे चाहा। वो क्या है ना जय साहब, दिल का रिश्ता जबरदस्ती से जोड़ा नहीं जाता, बस बन जाता है यूं ही अपने आप। हाँ, वो आपका आज शाम का बिल। नो थैंक्स, प्लीज प्लीज रख लीजिए, टिया की खुशी के लिए रख लीजिए। वैसे आपका अरेंजमेंट बहुत बढ़िया था, वो खाना, खास करके म्यूजिक, वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू। आओ टिया, चलते हैं। देखा, ये है मेरा राज। वैसे अरेंजमेंट करने का इतना ही शौक है ना, तो अगले हफ्ते मैं शादी कर रही हूँ अपने राज के साथ। भाई साहब, अरे जय, तुम राज, तुम क्या इत्तेफाक है, मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई। कमां कमां, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। थैंक यू। तो बोलिए कहाँ जाना है? हॉस्पिटल। अरे भाई, बाइक गैराज में ठीक होती है, हॉस्पिटल में नहीं। नहीं नहीं, टिया हॉस्पिटल में। हाँ, कौन सा हॉस्पिटल? अवान हॉस्पिटल। क्या हुआ टिया? वही जो शादी के बाद होता है, टिया माँ बनने वाली है। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ड्रिंक? थैंक यू, नहीं पीता नहीं मैं। जय, आज मेरा परिवार पूरा होगा, टिया माँ बनेगी और मैं बाप। दो प्यार करने वालों की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी यही होती है, राइट? हाँ, आई गेस राइट। सॉरी, मैं अपनी खुशी में तुम्हारा हाल पूछना भूल गया, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा रखी, कोई परेशानी तो नहीं? अरे मेरी बात छोड़ो राज। हाँ तो ये बताओ, बाप बन रहे हो, परिवार शुरू हो रहा है, कैसा लग रहा है? फैंटास्टिक, नाचूं गाऊं दुनिया को सर पे उठाऊं, समझ में नहीं आ रहा। अनाथ हूँ इसलिए समझता हूँ माँ बाप का प्यार कितना अनमोल होता है। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे की किस्मत में यतीम की तरह जीना नहीं लिखा, उसे तो माँ का प्यार, नानी का लाड़, और सबसे बड़ी बात अपने बाप का नाम, मेरा नाम। जब उससे कोई पूछेगा ना कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो वो अपनी तोतली जबान में कहेगा लाज, मेरे पापा का नाम लाज है। खुशी तुम्हारी आंखों से बह रही। हाँ, वो सारे रिश्ते मिल गए ना, दिल के रिश्ते।
here we are. Thank you, Jay. अरे जय, तुम अंदर नहीं आओगे? तुम्हारा ये वक्त अकेले टिया के साथ गुजारने का है. All the best. Thank you. और राज, अगर कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो you have a friend. Thank you once again. पिया, आ गया तेरा पिया. मुझे नर्स ने बाहर ही बता दिया था कि लड़का हुआ है. हो गया ना, हमेशा की तरह लेट. मैं कहाँ लेट हूँ, मेरी खड़खड़ फिर. अरे संभाल के. कितना स्वीट है, मिला छोटू, मिला लड्डू. बिल्कुल मुझ पर गया है ना. हाँ सर, आंखें टिया जैसी है. और फिर नाक, कान, गाल, होंठ टिया जैसे हैं. बाकी सब तुम्हारा जैसा. देखा देखा देखा, तुम्हारी माँ और मेरी माँ दोनों एक तरफ हो गए. लेकिन कोई बात नहीं, लाडला तू मेरा ही रहेगा. मैं तुझे इतना प्यार दूंगा, इतना प्यार दूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला अपने बचपन में. थैंक यू टिया, आज तुमने मुझे वो रिश्ता भी दे दिया जो शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं. थैंक यू राज. ना अंशु, देख पापा आ गए. नो. क्या हुआ राज? थक गया हूँ माँ. ठीक है, हॉट वाटर बात ना. मैं जिंदगी से थक गया हूँ टिया. वही पुरानी खड़खड़ मोटरसाइकिल, वही पुरानी खिटपिट जिंदगी. चुप राज. सोचा था तुम आओगी, नई तकदीर बनेगी, पर नहीं, कुछ नहीं हुआ. वही पुरानी खड़खड़ मोटरसाइकिल. तो क्या मैं फिर आए अंशु महाराज? सोचा ये नई तकदीर लेकर आएंगे, पर नहीं, वही पुरानी खड़खड़ मोटरसाइकिल. मैं पूछती हूँ, जब आप अपनी मोटरसाइकिल की सर्विसिंग ठीक से नहीं कराते तो उसमें मेरे बेटे का क्या दोष है? दोष कहाँ निकाल रहा हूँ मैं. मैं तो ये कह रहा हूँ कि अंशु बड़ा हो जाएगा तो हम तीनों कैसे जाएंगे इस मोटरसाइकिल पर? खड़खड़ मोटरसाइकिल पर? हाँ वही खड़खड़ मोटरसाइकिल पे. कैसे जाएंगे? जैसे सब जाते हैं वैसे ही जाएंगे. राज हम खुश हैं, कम पैसे में भी हम खुश तो है ना. पर मैं खुश नहीं हूँ. सोचता हूँ छोड़ दूँ, बहुत तंग करती है. क्या एक्चुअली सोचना क्या है? छोड़ दिया, अभी इसी वक्त छोड़ दिया. राज माँ, इनको अचानक क्या हो गया? जाओ जाके देखो क्या हुआ, जाओ.